will hunt you down. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई सब क्या चल रहा है? टाइगर थ्री चल रहा है। देखो जैसे ही मूवी की डेट और पास आते जा रही है टाइगर थ्री से रिलेटेड, दिन पे दिन कुछ ना कुछ एक्साइटेड मिलते जा रहा है और अनएक्सपेक्टेड मिलता जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे हैं वो मिलता जा रहा है। भाई साहब कैमियो होने वाले हैं और कैमियो को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। एक कैमियो तो चलो कन्फर्म है, उसके बारे में शुरू से ही चर्चा चल रही थी, शाहरुख खान का कैमियो एज पठान। तो भाई अभी और कैमियो कन्फर्म हो चुका है, उसके बाद एक कैमियो का और रूमर चल रहा है। दूसरी तरफ ये मूवी इसका इतना ज़्यादा बजब होने लग गया है। देखो स्टार्टिंग में बस स्लो थी, अब जो है प्रमोशन बहुत भयंकर लेवल पर स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही 2-3 दिन बचे हैं मूवी के, 12 नवंबर को ये मूवी आ जानी है, कल का दिन है 10 तारीख और 11 तारीख, उसके बाद 12 तारीख को ये मूवी आ जानी है और एडवांस बुकिंग में जो ये मूवी फाड़ रही है भाई ऑसम, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब देखो सलमान खान के करियर की अभी तक जो भी मूवीज हुई हैं उन सारी मूवीज के ये रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लाइक बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड टूटने वाला है, लाइक प्रेम रतन धन पायो का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो पहले तो बताऊंगा कि यार एक्शन के मामले में टाइगर थ्री इतनी जबरदस्त कैसे होने वाली है, मतलब इसका एक्शन के मामले में इसको अलग हिसाब से क्यों सेट करके दिखाया जा रहा है कि भाई साहब इसमें बहुत ही भयंकर लेवल का एक्शन होने वाला है। इसलिए भी होने वाला है क्योंकि भाई गौर ये लोग इंटरनेशनल लेवल को टक्कर देने वाले हैं। दूसरा इनका खतरनाक जो ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं इमरान हाशमी को, भाई विलेन के रूप में ये फाड़ के रखने वाला है, वो हम प्रोमो वीडियोज में ही देख रहे हैं और ट्रेलर टीजर के छोटे से पार्ट में ही देख रहे हैं। तो जब मूवी में इसको फुल स्क्रीन टाइम मिलने वाली है तो ये बंदा फाड़ के तो जाने वाला है। भाई गौर देखो जवान से अगर कंपेयर कर जाए, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन करा जाए तो जवान में ना थोड़ा फाइट का एक्शन का जो सीक्वल था वो थोड़ा साउथ ईस्ट था, मतलब स्लो मोशन में एंट्री देन री एंट्री, मतलब 2-3 जगह ये सब चीज़ देखने को मिला। वही चीज़ हमने शाहरुख खान की एंट्री स्टार्टिंग में देखी, वही चीज़ हमने शाहरुख खान की दोबारा से स्लो मोशन में एंट्री लास्ट के टाइम पर भी देखी जो क्लाइमेक्स फाइट था। तो ये सब चीज़ें दिखाया था, एक बार के लिए फिल्टर करके भी दिखाया गया है ये सारी चीज़ें। लाइक अगर मैं आपको जवान के लास्ट फाइट एक्शन सीन की बताऊं तो बाप बेटे की, मतलब जब बाप की याद आ जाती है विक्रम राठौड़ की, तो जब उन दोनों का भरत मिलाप होता है तो वहाँ सारे गुंडे आसपास खड़े हैं और वो इस चीज़ का नज़ारा ले रहे हैं। तो भाई रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि टाइगर थ्री में हमें सब कुछ रियल वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है। इमरान हाशमी जो क्रूएलिटी पे पहुँचेगा, मतलब जो भी हथकंडे अपनाएगा इसे बीट डाउन करने के लिए, इसे हराने के लिए, भाई साहब हमें एक बार के लिए नफरत होने लग जाएगी उससे। और जहाँ नफरत हो गई समझ लो इमरान हाशमी की एक्टिंग सफल हो गई, समझो उसका रोल अदा हो गया। बाय गॉड टाइगर थ्री में आई है लॉर्ड इमरान हाशमी, कैन आई से दिस पर्सन लॉर्ड इमरान हाशमी, बाय गॉड कह सकते हैं, क्योंकि किसिंग के अलावा ये जो इस बार एक्शन में जो सस्पेंशन लाने वाला है ना ढेर सारा, उसके बाद जो सातिरता लोमड़ी जैसी चाणाक चतुर वाला इसका माइंड गेम जो खेलेगा है ना हर बार तोड़ने के लिए, मतलब बच्चों तक को इस्तेमाल करने वाला है टाइगर के बच्चे को, जोया का भी एक बार के लिए ये इस्तेमाल करने वाला है। दैट्स वाई कि हमें इतने कैमियोज देखने मिलेंगे। चलो कैमियोज की बात आ गई तो कैमियो पे चलते हैं। पठान का कैमियो सॉलिड कन्फर्म है, 20 मिनट का एक्सटेंडेड कैमियो दिखाया जाने वाला है, खतरनाक फाइट सीन सिक्वल होने वाला है जिसमें पठान और टाइगर का एक्शन फाइट वाला कैमियो जो हमने पठान के टाइम पर भी देखा था, लगभग 9 से 10 मिनट का वो कैमियो था जब टाइगर और पठान एक साथ आते हैं शाहरुख खान और सलमान। भाई करण अर्जुन का सेकंड पार्ट बताया जा रहा था उस चीज़ को, तो देखते हैं इस थर्ड पार्ट में कितना ये लोग जम पाते हैं। तीसरा भाई साहब ऋतिक रोशन का कैमियो कन्फर्म हो चुका है, 2.5 मिनट का कैमियो होने वाला है एज कबीर सिंह, वॉर मूवी का एज कबीर सिंह। भाई खतरनाक, मतलब जबरदस्त चलने वाला, क्योंकि देखो स्पाई यूनिवर्स में वायरफ में वॉर 2 आने वाली है जस्ट टाइगर 3 के बाद, उसके बाद वॉर 2 के बाद टाइगर वर्सेस पठान आएगा, टाइगर वर्सेस पठान का लिंक यहाँ से थोड़ा थोड़ा जनरेट हो जाना है, उसके बाद वॉर 2 में भी हमें टाइगर वर्सेस पठान का लिंक जनरेट करते हुए दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें खतरनाक देखने को मिल रही है। तीसरा एक और कैमियो सुनने में आ रहा है, आई थिंक ये रूमर है क्या है बट ये ऑफिशियल नहीं है। हाँ ऋतिक रोशन वाला है ऑफिशियल है और उसकी शूटिंग भी हो चुकी है, 2.5 मिनट का कैमियो है, उसमें कोई फाइट सीन सिक्वल तो होगा नहीं, 2.5 मिनट में क्या ही फाइट कर लेंगे। बस ये है कि शायद एक कॉन्वर्सेशन हो, आमने सामने की बातें चल रही हो, कोई मीटिंग होगी टाइगर के बीच में और कबीर के बीच में। शायद एक बार के लिए ये रूमर आ रहा है कि जूनियर एनटीआर के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो भाई जूनियर एनटीआर का कैमियो होने वाला है नहीं होने वाला है ये तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कि इसका भी नाम
आने वाला है, वॉर टू का सीधा सीधा लिंक यहाँ से जनरेट होने वाला है, और उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान का भी जनरेट होने वाला है। तो भाई ये मूवी बहुत फाड़ू होने वाली है, बहुत बहुत फाड़ू। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 12 नवंबर को आप लोग कौन कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।